मध्य प्रदेश में फसलों की खराबी के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी आ गई है। संगमनेर, नारायणगांव और पीपलगांव के टमाटर इंदौर में 1500 रुपए से 2000 रुपए प्रति 25 किलो की दर से बिक रहे हैं। यदि हालात ऐसे ही रहते हैं तो पिछले साल की तरह 4000 प्रति कैरेट तक पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश में टमाटर की फसल खराब होने से अब टमाटर के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले ही टमाटर और पेट्रोल के दाम एक जैसे हो गए थे, लेकिन अब टमाटर ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया है। टमाटर व्यापारी सलीम चौधरी के अनुसार, मध्य प्रदेश के टमाटर की फसलें नहीं सुधर जाती तब तक टमाटर के दाम यही रहेंगे। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए चिंताजनक है। टमाटर इस वक्त चल रहा है इंदौर चौधरी सब्जी मंडी के अंदर, कल तक जो 500, 600, 700 बिकने वाला टमाटर, आज टमाटर 2100 रुपए के रेट प्रति 25 किलो बिका। पिछले साल जो टमाटर 4000 रुपए के रेट बिका था, वही पोजीशन डबल से आ सकती है। मध्य प्रदेश की फसलें खराब हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश के टमाटर में वायरस आ गया है, इस वजह से टमाटर महंगा है। अभी इस वक्त टमाटर और सेवफल के भाव एक हुए, सेवफल डेलीसन जो 120 बिक रहा है, अब इंदौर में टमाटर 120 से 150 रुपए तक बिक सकता है। अगर मध्य प्रदेश का टमाटर अच्छा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में टमाटर 150-60 भी बिक सकता है और 100 से 120 भी बिक सकता है। सस्ता होने की संभावना ये है कि अगर मध्य प्रदेश का टमाटर सुधर जाता है और आवक बढ़ती है तो टमाटर अपने लेवल पर 50-60 रुपए 40 रुपए आ सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसी पोजीशन नहीं है, वायरस लगा टमाटर आ रहा है और टमाटर अच्छे टमाटर की डिमांड 100 से 120 रुपए किलो है। अभी संगमनेर, नारायणगांव, पीपलगांव से टमाटर आ रहा है और इंदौर के झाबुआ जिला का जो टमाटर है बिल्कुल फसलें खराब हो चुकी हैं। टमाटर में छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक दवाएं छींटी जा रही हैं और आने वाले टाइम में उस टमाटर को थोड़ा सुधार आ सकता है। सुधार आने के बाद ही टमाटर में मंदी आ सकती है। थोक में आपने जो भाव बताया, थोक भाव में और खरीदी भाव में, थोक भाव में तो अभी 50-60 रुपए प्रति किलो खरीदी चल रही है और बाजार में आते थे ठेले वाले 100 से 120 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं। पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया है टमाटर ने और सेफल और टमाटर के भाव एक हुए। आपका नाम? सलीम चौधरी, देवी अहिल्याबाई होलकर, सब्जी मंडी।